जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की मेरा यह वीडियो उन भाइयों के लिए है जो भाई लोग फौज की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ में अपने परिवार का जिम्मेदारी भी उठाते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं ना, तो खास करके उन सभी भाइयों के लिए वीडियो है। तो जो भाई लोग ऐसा काम करते हैं, जो फौज की तैयारी करते हैं और साथ में अपने घर की जिम्मेदारी भी उठाते हैं ना, तो मैं बस उनको एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्त। देखो दोस्तों कि जिम्मेदारी जो होता है ये हम मरते दम तक उठाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप फौज में हो चाहे ना हो या फिर सिविल में भी हो, आपको परिवार का जिम्मेदारी मरते दम तक उठाना, जब तक आपके अंदर में जान है ना तब तक मतलब परिवार का जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। लेकिन सपने जो होता है, सपने पूरा करने का जो समय होता है ये एक समय रहता है, चाहे वो 17 से 23 उम्र तक हो या फिर 25 उम्र तक हो, ठीक है, इसका एक समय रहता है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने सपने के लिए। जो लोग फौज की सपना देखे है ना, जो लोग इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखे है ना, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ खास करके, तो उनका एक समय रहता है सपना पूरा करने के लिए। अगर वो समय निकल जाएगा ना एक बार, तो भाई कोई फायदा नहीं यार, जिंदगी भर भटकते भटकते मर जाओगे, ठीक है। अपने अंदर में जो दुख है ना, वो दुख ना किसी को बता पाओगे, अगर बताने से कोई समझ भी नहीं पाएगा, आपको मजाक बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा परिवार का जिम्मेदारी आपको मरते दम तक भी उठाना है, तो फिर मेरे भाई ज़्यादातर टाइम आप अपने सपने के लिए दो, ठीक है, आप अपने तैयारी पे फोकस करो ज़्यादातर। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी मत करो परिवार के लिए, कोई भी काम मत करो, सिर्फ तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ आप ज़्यादातर फोकस करें अपने तैयारी पे, ठीक है। अगर 100 में से 80% आप अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए और 20% जो है ना मेरे दोस्त, वो अपने परिवार के लिए टाइम दो। उनको भी समझाओ परिवार वालों को कि मेरे को कुछ टाइम दीजिए, 1 साल या 2 साल मेरे को टाइम दीजिए, अगर इसके अंदर मेरा सपना पूरा हो जाएगा ना, तो आप पूरे ज़िंदगी आप लोग सुख शांति से रहोगे। चाहे भले मेरे को तकलीफ होगा, मैं फौज में रहूँगा, मेरे को तकलीफ होगा ड्यूटी के टाइम, ट्रेनिंग के टाइम, लेकिन आप लोग पूरी ज़िंदगी में सुख शांति से रहोगे। अगर फिर भी बावजूद भी नहीं हुआ, तो ऐसे भी मेरे को पूरे साल पूरी ज़िंदगी भर मेरे को तो परिवार का जिम्मेदारी उठाना ही है, तो मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है, 1 साल 2 साल ऐसा कुछ टाइम लीजिए। देखो दोस्तों मैंने लाइफ में बहुत बड़ा गलती किया है, मैं भी जब पहले फौज की तैयारी करता था ना मेरे दोस्त, तो तैयारी के साथ साथ मैं भी अपने परिवार का जिम्मेदारी उठाया, खेती बाड़ी सब कुछ किया, लेकिन मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि रिटर्न का एक ऐसा हार्ड लेवल का होता है रिटर्न, या रिटर्न को हम अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम फौज में नहीं जा पाएंगे, उतना उसमें माइंड भी नहीं था, एज भी बहुत कम था, बस दौड़ता भागता खून गर्म था, अभी भी खून बहुत गर्म है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि खून गर्म नहीं है, ठीक है, दौड़ता था भागता था कि फौजी बन जाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मेरा दोस्त, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भाई लोग फौज की तैयारी कर रहे हैं, खास करके ये लोग फौज में ज़्यादातर अपने फोकस करें फौज की तैयारी में, परिवार का जिम्मेदारी मेरे भाई आपको मरते दम तक भी उठाना है, ठीक है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सभी को पता है। तो इसीलिए ज़्यादा तैयारी करिए और ज़्यादा फोकस करिए अपने सपने के लिए, ठीक है। एक बार ये एज निकल जाएगा ना, तो भाई बहुत पछताओगे ज़िंदगी में, बहुत दुख रहेगा, ठीक है, अंदर में जो दुख होता है ना ये बताने से मतलब ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। समझते हैं कुछ लोग, समझते हैं जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग ओवर एज हो जाते हैं ना वही लोग समझ पाते हैं, बाकी कोई नहीं समझता है भाई, आपको मजाक बना देगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस करिए अपने तैयारी पे, ठीक है, अपने सपने के लिए मेहनत करिए, ठीक है, यही कहना चाहूँगा, बाकी मेरी बातों का बुरा मत मानना। हाँ मुझे पता है कि हम सभी लोग किसान परिवार से है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमको भी मतलब तैयारी के साथ साथ परिवार का जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, लेकिन मेरे दोस्त अगर एक बार ये समय निकल जाएगा ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मानते हैं परिवार के लिए काम करो, जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन ज़्यादातर फोकस करिए अपने सपने के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे, आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।